ऑफ जेड इसका नाम डाल दो, समीकरण नंबर 5। अब चेक कर लो ये। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को आपको देखो करना है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। इस वाले पार्ट को x के रेस्पेक्ट में करना है अब आपको डेरिवेटिव, और जो मान लेकर जाना है वो भी दिया हुआ है। तो इधर वाले पार्ट में लगेगा देखो u डॉट u ओपन v का फॉर्मूला, माइनस तो बाहर है ही, वन अपॉन एक्स की तरह ट्रीट करेगा ये। एक बार तो बन जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, माइनस तो है ही, नीचे तो रहेगा वन प्लस लॉग ऑफ जेड इसका स्क्वायर। फॉर्मूला क्या क्या रहेगा, नीचे वाला पार्ट एज इट इज, वन प्लस लॉग ऑफ जेड एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में बोला है ही नहीं यानी जीरो, फिर माइनस ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, वन प्लस लॉग ऑफ वाई एज इट इज, नीचे वाले पार्ट का अवकलन जेड का, वन का तो जीरो क्योंकि एक्स में कर रहे हैं ना, जेड का तो होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, और लॉग जेड का हो जाएगा एक बार तो वन अपॉन में जेड, और फिर साथ में जेड का हो जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट रहेगा एज इट इज आपके पास में। ठीक है, यानी इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, ये माइनस माइनस प्लस, ये पहली टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी वन अपॉन में जेड फिर साथ में डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स अलग पार्ट भी तो है एक, चलो डायरेक्ट लिख देते हैं वन अपॉन में जेड डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, चलो बाद में रहने देते हैं, इसका मान रख देंगे अपन। इस वाले का मान रख देंगे अपन इसके अंदर, ये तो हो गया देखो जीरो हट गया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी यहां से रहेगा वन प्लस लॉग वाई एज इट इज अपॉन में वन प्लस लॉग जेड इसका स्क्वायर, और यहां से रहेगा वन अपॉन में जेड और डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स, और डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स का भी अपन क्या करते हैं यहां से मान रख देते हैं इस वाले के पार्ट का भी। तो देखो फाइनली क्या बनेगा, माइनस वन अपॉन में जेड तो रहेगा ही रहेगा, एक माइनस और आ जाएगा इस वाले पार्ट के आकार, वन प्लस लॉग ऑफ वाई और इसका मान जो रहता है इसमें और आता है वन प्लस लॉग ऑफ एक्स है इसका मान, इसका मान देखो निकाल चुके हो अपॉन में, दोनों में ये तो सेम रहता है, यानी वन प्लस लॉग ऑफ जेड इसकी पावर बन जाएगी थ्री, ध्यान से देखना इसकी पावर बन जाएगी थ्री, देख लो आराम से देख लो। डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स का जो मान था आपके पास में वो देखो अपन ये निकाल रखे थे, डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स का मान, डेल जेड अपॉन में डेल ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये था वन प्लस लॉग ऑफ एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग ऑफ जेड, ये वाला पार्ट उठा करके अपन यहाँ पे पुट कर दी, किसकी जगह डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की जगह, वन अपॉन में जेड वाला पार्ट तो रह गया एज इट इज, यहाँ से भी वन प्लस लॉग जेड और एक यहाँ से भी देखो वन प्लस लॉग जेड, दोनों मिलके बना दिया वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर, दोनों मिलके क्या बना दिया वन प्लस लॉग जेड का स्क्वायर, और इधर वाले पार्ट में क्या रह गया वन प्लस लॉग वाई तो है ही, इसके रख दिया अपन वन प्लस का लॉग ऑफ एक्स, और इस वाले पार्ट को अपन लिख दिया ये वाला पार्ट एज इट इज, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा आपके पास में। ठीक है, और इस वाले पार्ट को अपन देखो मिला के क्या लिख सकते हैं कि माइनस वन अपॉन में जेड तो है ही आपके पास में, लेकिन ये x बराबर y बराबर z पे था, एक क्वेश्चन में ही कंडीशन दिया हुआ था कि इफ वो जो मान लाना है आपको वो कब संभव होगा, जब x बराबर y बराबर z हो, वो मान कब संभव है जब आपके पास में x का मान y का मान z का मान तीनों मान बराबर हो तभी होगा ये वाला मान। ठीक है,
तो तीनों पार्ट जब बराबर होंगे तब क्या आएगा वो अपन लिख लेते हैं। यदि x बराबर y बराबर z हो तब देखो क्या मान रहेगा, ये माइनस का देखो क्यूब है ये, जब बराबर ही है ये दोनों मिलके भी स्क्वायर बना देगा, कट जाएगा एक बचेगा नीचे, यानी माइनस का नीचे रहेगा वन अपॉन में x, अब ब्रैकेट में रहेगा वन प्लस लॉग ऑफ x, बस इतना ही बचेगा, क्योंकि यहाँ से देखो ये और ये जब सेम होगा तो दोनों मिलके बना देगा स्क्वायर, इस स्क्वायर साथ कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बचेगा पावर, वो अपन देखो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो माइनस का वन अपॉन में एक्स और वन प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट जो है ये बचेगा यहाँ पे। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, माइनस बाहर है ही, माइनस का पार्ट तो है ही, माइनस का एक्स और ये ऊपर जाकर बनेगा वन प्लस लॉग ऑफ एक्स और इसका इनवर्स, ये भी तो लिख सकते हैं इसको अपन, ये माइनस का एक्स और ये पूरा पूरा पार्ट जो है वो एज इट इज, ठीक है। और इस वाला पार्ट को क्या लिखेंगे, माइनस का एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स, माइनस का एक्स लॉग ई एक्स, और यही देखो आपको लेकर के आना था, चेक कर लो। और एक तरफ तो मान जो था वो चल ही रहा था आपके पास में डेल स्क्वायर जेड, ये पूरा किसके बराबर है ध्यान से देखना, इधर जो पूरा मान है वो है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू जो आया है माइनस का एक्स लॉग ई एक्स का इनवर्स, ये इसके बराबर आया है, यही आपको देखो लेकर के आना था, क्लियर है, यही वाला पार्ट आपको लेकर के आना था, इसलिए अपन इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, देख लो इसको।